सब्सक्राइब कीजिए इंदुजी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय शेयर करने वाली हूँ और ये काम करेगा ही करेगा। ये बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं जो भी आपको उपाय बताती हूँ वो बहुत ही सात्विक होते हैं और घरेलू होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। आपको कोई खर्च करने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जाति भाषा धर्म का यहाँ पे भेदभाव नहीं है। आप कोई भी जाति भाषा धर्म के हो, ये उपाय तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप सोना लेना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप अपनी खुद की कार लेना चाहते हैं, आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, या आपकी रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर आपके लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर इनमें से कोई भी आपको समस्या है, तो आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ इसको आप आज़मा के ज़रूर से देखिएगा। जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये उपाय आपको करना है कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष आता है अमावस के पहले। अमावस के पहले जो 15 दिन होते हैं, यानी कि जैसे ही पूर्णिमा ख़त्म होगी तो कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है और ये इजीली आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है तो उसमें जो पहला फ्राइडे यानी कि जो पहला शुक्रवार आएगा उसकी जो रात होगी, यानी कि आज पूरा दिन शुक्रवार का निकल गया, तो फिर जब रात आएगी तो रात को आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये उठना है। फ्राइडे और सैटरडे के बीच का जो रात का पीरियड है, या तो आप ये रात को कभी भी कर ले, लेकिन जो बेस्ट होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 4:30 के बीच में, तब आपको ये उपाय करना है। आप अपना नॉर्मल भले नहाए नहीं तो कोई बात नहीं, अपना हाथ मुंह आप धो लें, मुंह अगर अपना साफ कर लें, और उसके बाद आपको जो भी अपनी मनोकामना है वो अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है। पूर्व दिशा में चेहरा करके बैठना है आपको, चाहे आप बेड पे बैठ के करना चाहो तो आप कर सकते। इन केस आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि सैटरडे यानी कि शनिवार का जब सुबह का जब सूरज उगने वाला होगा, यानी कि सनराइज जब होने वाला होगा, उससे जस्ट थोड़ा वक्त पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप नहा लें, अगर आप नहीं नहा सकते तो आप क्या करें, एटलीस्ट अपना फेस वॉश कर लें, आप फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद इस उपाय को आपको करना है। अब आप इसको कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, अपनी इच्छानुसार जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ पे बैठ जाएं। और वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में आपको जो भी है मनोकामना बोलनी है। प्रेजेंट टेंस में कैसे, एक एग्जांपल बताती हूँ। आपकी कोई इच्छा है कि आपको ये पर्टिकुलर BMW गाड़ी खरीदनी है, तो आपको ये सोचना है कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली, ये सफ़ेद रंग की गाड़ी है और मैं अपने परिवार के साथ घूम रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में आपको वो चीज़ सोचनी है कि वो चीज़ आपने पा ली है, और ये पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। ये नहीं कि मैंने बोला है तो आपको बस सोचते चले जाना है, ऐसा नहीं। आपको वो लिटरली वो उस चीज़ को महसूस करना है, उसकी खुशी को आपको महसूस करना है। जब आप ये चीज़ करेंगे ना तो वो चीज़ आपकी पूरी होगी। आप घर लेना चाहते हैं तभी भी आप ऐसा करें, आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो तो आपको भी इमेजिन करना है कि आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आप किस तरीके से एक दूसरे से अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, अच्छी जो आपकी बातें उनको आप याद करें। तो ऐसा आपको इमेजिनेशन लेके ना, कितना भी समय तक आप इसको कर सकते हैं, जब तक आप कर सके इसको कर लें। बस ये एक ही बार आपको करना होता है और ये हर महीने आप केवल एक ही बार कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिन बताया। तो अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो देखिए बहुत ही जल्द आपका सपना ये पूरा होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप देखेंगे कि वो सॉल्व होती चली जा रही है। एक बार ये करके तो देखिए, फ़र्क आएगा ही आएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके काम होते चले जा रहे हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा ना तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पे आप प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँगी तो इमीडिएट आपको पता लगने लग जाएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।